हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्सिविल में। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है, जो ये बाउंड्री वॉल बनाया गया है। ये बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा क्रैक आ गया है। ये बाउंड्री वॉल अब कुछ दिनों में यहाँ पे गिरने वाली है। तो ये गलती क्यों हुई है दोस्तों? ये छोटी सी एक काम नहीं करने की वजह से इतना बड़ा मिस्टेक हुआ है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा शुरू से लास्ट तक ये बाउंड्री वॉल जो है। अब ये जो नेक्स्ट, अभी इस पर थोड़ा सा भी कोई फोर्स लगेगा या नीचे से और मिट्टी निकलेगी तो ये बाउंड्री वॉल यहाँ से टूट के गिर जाएगा। तो ये जो मकान मालिक को यहाँ काफ़ी पैसे का नुकसान होने वाला है। ये गलतियाँ क्यों होती है? अगर आप इंजीनियर से सलाह नहीं लेते हैं, डायरेक्ट मिस्त्री से काम करवाते हैं, अगर मिस्त्री सही से काम नहीं किया या सही जानकारी आपको नहीं है, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती है, लेकिन उससे आपको काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी ये बाउंड्री वॉल आपको फट रही है। तो यानी जहाँ जहाँ से ये बाउंड्री वॉल का सपोर्ट, नीचे से यहाँ मिट्टी का सेटलमेंट हो रहा है, वो बाउंड्री वॉल वहाँ से दीवार छोड़नी स्टार्ट कर रही है। अब ये पूरी, अब यहाँ जैसे पीछे से आप देख रहे हैं, ये हमारा मेन दीवार है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पाइप के इस साइड है मेन दीवार है, और ये हमारी बाउंड्री है। तो ये जो ये बाउंड्री की दीवार गई है, आगे मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि वो जो हमारी मेन दीवार है, इसमें कहीं से भी वो कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ यहाँ ले जाके सीधा सा वहीं से दीवार बना दी गई है। यानी कि इस ईंट की बाउंड्री का जो दीवार है, उसमें अंदर नहीं फंसाया गया है, उसमें टूथिंग नहीं किया गया है। जबकि बोला जाता है कि आपको उसमें खांचा छोड़ने चाहिए था, जो अपने घर का दीवार बना रहे थे और फिर उसमें फंसाते जाते, तो उससे क्या होता, दीवार मजबूत होती। अभी यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ सिर्फ वहाँ ले जाके और ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अब उस पर प्लास्टर किया गया है तो वहाँ से भी क्रैक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कैसे ये दीवार फट रही है, और ये काफ़ी बड़ा क्रैक है दोस्तों। ये क्रैक जो है, ये माइनर क्रैक नहीं है कि आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे, इससे बहुत नुकसान होने वाला है। अब ये ऐसा क्यों हो गया है, देखिए मैं शुरू से आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें पिलर दिया गया है, हर 10 फीट पर पिलर दिया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन गलती क्या की गई है, पिलर भी दिया गया है, दीवार भी बनाई गई है। नीचे आप देख सकते हैं 9 इंच का दीवार दिख रहा है आपको, लेकिन ऊपर में 4 इंच का दीवार है। लेकिन गलती क्या हुई है, देखिए इस पिलर को कनेक्ट करके कहीं पे भी इन्होंने प्लिंथ बीम नहीं दिया है। अगर ये प्लिंथ बीम दे दिए रहते हैं, यहाँ पे 7 या 8 फीट की ऊंची ये बाउंड्री है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 9 इंच का दीवार है, उसके ऊपर फिर 4 इंच का दीवार बना दिया गया है, लेकिन प्लिंथ बीम कहीं नहीं दिया गया है। प्लिंथ बीम देने से फ़ायदा ये होता है कि इस पिलर से, जो हमारा ये पिलर स्टार्ट हो रहा है, इस पिलर से और आगे तक जो हमारा अगला पिलर आता बाउंड्री में, उसको ये कनेक्ट करके रखता, उसको कनेक्ट करके रखता, तो उससे क्या होता कि अगर नीचे के आपका मिट्टी अगर बैठ भी जाती ना, तो ये ऊपर क्या होता कि प्लिंथ बीम आपके टांगे रखता दीवार को, वो उसको नीचे नहीं बैठने देता, जिससे हमारा क्या होता कि दीवार में क्रैक नहीं आता। अब यहाँ क्या है कि जब नीचे की मिट्टी बैठी तो आपका 9 इंच का दीवार भी बैठा, फिर 4 इंच का भी दीवार बैठा, तो सब वहाँ से क्रैक कर गया, सब सेटलमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ हर 10 फीट पर आपको पिलर देखने को मिल रहा है। तो ये तो अच्छा काम किया गया है, लेकिन पिलर के नीचे अब जैसे यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ध्यान दीजिएगा, वहाँ से भी मिट्टी बैठ रही है। अब क्या है कि मतलब यहाँ 20 फीट पे पिलर दिया गया है, बीच वाला जो पिलर है वो 9 इंच का पाया बनाया गया है, तो वहाँ से भी अब मिट्टी बैठ रही है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वो भी वहाँ से बैठ रहा है। तो इस वजह से जो ये सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं किया गया है, इसको बनाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए गए हैं। पिलर भी आप देख सकते हैं कि सरिया, उसमें 6-6 सरिया दिया गया है 16 mm डाया का, फिर इसमें 9 इंच का नीचे दीवार दी गई है, करीब जितना भी हो करीब 5 से 6 रद्दे, फिर ऊपर 4 इंच की बाउंड्री की गई है। लेकिन ये क्या है, सब पैसा यहाँ बर्बादी हो रहा है। अब ये देख सकते हैं ये जो हमारा कैसे सेटलमेंट हो रहा है, क्योंकि पीछे वाला प्लॉट बना नहीं है, तो पीछे क्या है कि पानी लग जाता है। पानी लगने से वो क्या होता है कि वहाँ से हमारे जो ज़मीन का ये प्रॉपर्टी लाइन है, इसमें हमारा नीचे से वो क्या होता है, मिट्टी वहाँ से निकल रही है। तो इसमें गलती क्या की गई है, पहले कि इनको नीचे से क्या करना चाहिए था कि प्लिंथ बीम देकर फिर ये दीवार उठाते, तब DPC दे देते, या फिर ग्राउंड लेवल पर जब आ रहे थे फिर वहाँ पर प्लिंथ बीम दे के तब ये बाउंड्री करते, तो वो बिल्कुल सही रहता है, इनका इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन यहाँ गलती क्या की गई है, सिर्फ एक प्लिंथ बीम नहीं देने से आप 9 इंच का दीवार लगा दिए, फिर आप बाउंड्री कर दिए ऊपर, तो मिट्टी की सेटलमेंट हो गई, तो वहाँ से ये जो है बाउंड्री यहाँ से क्रैक कर गया है। अब ये कुछ दिनों में यहाँ गिरने वाला है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।